आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में माइक्रोवेव एक सुविधा का साधन है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं तो फ्रिज में रखे खाने को आप माइक्रोवेव में गर्म करके आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। लेकिन कन्फ्यूजन तब पैदा होता है जब आप कहीं पे सुनते हो या पढ़ते हो कि माइक्रोवेव तो रेडिएशन देता है, माइक्रोवेव से आपको कैंसर हो जाता है। मैं हूँ आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और आज हम यही जानेंगे कि क्या ये सब सच है, माइक्रोवेव सेफ है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि माइक्रोवेव काम कैसे करता है। माइक्रोवेव मशीन में जो वेव्स पैदा होते हैं उसको माइक्रोवेव्स कहते हैं। वो वेव्स एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। लेकिन एक्सरे, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपके शरीर में अंदर घुस सकते हैं, आपको नुकसान दे सकते हैं और आपको कैंसर भी दे सकते हैं। उसके मुकाबले माइक्रोवेव मशीन में जो वेव्स पैदा होती हैं उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, उसमें इतनी ताकत होती ही नहीं है कि आपके शरीर को नुकसान दे सके। तो माइक्रोवेव मशीन में पैदा होने वाले माइक्रोवेव्स को आप एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि माइक्रोवेव्स में खाना गर्म कैसे होता है। माइक्रोवेव मशीन में जो माइक्रोवेव्स पैदा होते हैं वो माइक्रोवेव मशीन के अंदर घूमते रहते हैं। आपने जो खाना गर्म करने के लिए रखा है उसमें जो पानी की बूंदें होती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वेव्स उनको वाइब्रेट करते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट होने की वजह से उसमें गर्मी पैदा होती है और उसी की वजह से आपका खाना गर्म भी होता है। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि माइक्रोवेव मशीन में से रेडिएशन बाहर आ सकता है क्या? नहीं, जब तक माइक्रोवेव मशीन का दरवाजा बंद रहते हैं माइक्रोवेव मशीन के माइक्रोवेव्स उसके अंदर ही रहते हैं। मशीन को बनाया भी इसी प्रकार से जाता है कि जैसे ही आप दरवाजे को खोलते हो मशीन बंद हो जाती है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि माइक्रोवेव मशीन में से रेडिएशन क्या लीक हो सकता है? चांसेस कम है लेकिन हो सकता है। लेकिन हम वीडियो में पहले ही देख चुके हैं कि माइक्रोवेव मशीन में जो माइक्रोवेव्स पैदा होते हैं उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, तो अगर ये रेडिएशन लीक भी होता है तो मशीन से 2-3 इंच तक ही उसकी इफेक्ट रहती है। अगर आप मशीन से 2-3 इंच से दूर खड़े हो तो इन वेव्स में इतनी एनर्जी ही नहीं होती है कि आपको नुकसान करे। तीसरा सवाल ये होता है कि माइक्रोवेव मशीन में जो खाना गर्म किया होता है क्या उसमें रेडिएशन होता है, और उस खाने को खाने की वजह से क्या हमको रेडिएशन लग सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे तो ये लाइट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक तरह का रेडिएशन एनर्जी ही है। तो जिस तरह से जैसे ही हम लाइट को बंद करते हैं और लाइट बंद हो जाती है, उसी तरह से जैसे ही हम माइक्रोवेव मशीन को बंद कर देते हैं उसमें रेडिएशन एनर्जी बंद हो जाती है, खाने में कोई रेडिएशन नहीं रहता और आपको उससे कोई नुकसान नहीं होता। अब मैं आपको माइक्रोवेव मशीन को सेफली इस्तेमाल करने के 4 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो यह है कि आप माइक्रोवेव मशीन में वही बाउल्स रखें जो माइक्रोवेव मशीन के लिए सेफ हो। माइक्रोवेव मशीन में इस्तेमाल किए जा सके ऐसे ही साधनों में आपको अपने खाने को गर्म करना चाहिए। दूसरा, अगर माइक्रोवेव मशीन का दरवाज़ा टूटा है या उसमें लीक है तो उस मशीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, आप जब भी माइक्रोवेव मशीन में खाना गर्म कर रहे हो तो माइक्रोवेव मशीन से दूर ही खड़े रहना चाहिए और लंबे टाइम तो उसके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं खड़े रहना चाहिए। और चौथा, माइक्रोवेव मशीन में कभी भी पानी को गर्म नहीं करना चाहिए। माइक्रोवेव मशीन की वजह से जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें से 90% केसेस में लोगों ने गलती से माइक्रोवेव में पानी गर्म करने के लिए रख दिया होता है, तो बस वो ना करें। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि कैंसर नेट और कैंसर काउंसिल ने माइक्रोवेव को सेफ बताया है और उन्होंने बताया है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से न्यूट्रिशन का लॉस भी नहीं होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंसान को रोज नहाना चाहिए कि नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें।